दोस्तों, हमारे भारत के अधिकांश लोगों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर करके ग्रहण न करने का एक कारण ये भी है कि मांस का सेवन। जी हाँ दोस्तों, क्रिश्चियंस तो मांस खाते हैं, यीशु ने भी मछली खाई थी। इसलिए हमारे उन अविश्वासी भाई बहन जो विशेषकर हिंदू हैं, उन्हें ये लगता है कि जो भगवान या परमेश्वर मांस खाने को सही ठहराता है वो बिल्कुल भी परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि उनके धर्म शास्त्रों के अनुसार किसी भी जीव की हत्या करना पाप है, गलत है। और एक मसीही व्यक्ति के साथ अक्सर हमारे अविश्वासी भाई बहनों के द्वारा इसी विषय पर काफी बहसबाजी होती रहती है। लेकिन हमारे कुछ मसीही भाई बहन जो केवल नामधारी मसीही हैं, जिन्हें बाइबल के वचनों के प्रति उतनी अच्छी जानकारी नहीं होती, इसलिए वे लोग प्रेम और नम्रता पूर्वक हमारे उन अविश्वासी हिंदू भाई बहनों को इस विषय पर नहीं समझा पाते, वरन उल्टा उनके ऊपर ही चिढ़ जाते हैं। परंतु यीशु ने हमें किसी पर क्रोधित होना या नफरत करना नहीं, बल्कि प्रेम करना सिखाया है। इसलिए भले ही वे लोग परमेश्वर के वचनों को ना समझ पाए, फिर भी हमें उन पर गुस्सा नहीं करना है, बल्कि अपने अंदर नम्रता को बनाए रखना है। यहाँ पर हम आपको अनिरुद्धाचार्य जी और एक लड़की के बीच इसी विषय को लेकर हुई बातचीत की वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं। फिर आगे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाइबल मांस खाने के विषय में क्या कहती है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा आपसे एक प्रश्न था कि जैसे मैं ना पहले कोचिंग पढ़ती थी, तो वहाँ पे मतलब वो सर जो पढ़ाते थे ना, वो क्रिश्चियन थे, तो मेरी उनसे लड़ाई हो जाती थी कभी कभी। वो बोलते थे कि मीट खाना गलत नहीं है, और मैं बोलती थी कि गलत है, क्योंकि हमने ये सुना है कि मीट नहीं खानी चाहिए। तो वो ये कहते थे कि तुम लोग जैसे गेहूं वगैरह खाते हो, तो इसमें भी तो जान होती है ना, तो मैं एक्सप्लेन कैसे करूं। वो क्रिश्चियन है ना, तो वो क्रिश्चियन तो उनका अपना तो मांस खा के उन्होंने अपना धर्म, जो मांस खाता है उसे हम सनातनी भ्रष्ट कहते हैं। वो क्या है, तो जो व्यक्ति स्वयं भ्रष्ट है वो तो आपको भी भ्रष्ट करना चाहेगा। और आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज हिंदू घर के बच्चे क्रिश्चियनों के यहाँ जा जाके पढ़ते हैं, तो वो तो भ्रष्ट हैं ही, मांस खाकर आपको भी भ्रष्ट करेंगे, तो वो तो गलत राह है उनकी, आपको भी पकड़ाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बाइबल में ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिसमें आपको मांस खाने को कहा गया हो, और ना ही क्रिश्चियनिटी किसी को मांस खाने पर मजबूर करती है जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। बल्कि क्रिश्चियनिटी यानी मसीहत तो आपको ये स्वतंत्रता देती है कि आप चाहे तो मांस खाइए, नहीं तो आप शाकाहारी ही रहिए। ऐसे बहुत से मसीही भाई बहन हैं जो शुद्ध शाकाहारी हैं अपनी इच्छा से। तो इस वीडियो क्लिप में गुरुजी ने अपने विश्वास और भावनाओं के आधार पर यह बताया कि क्रिश्चियंस तो मांस खाकर अपने आप को भ्रष्ट कर चुके हैं, यानी कि अशुद्ध या अपवित्र कर चुके हैं, वे तो आपको भी भ्रष्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्रियो, हमारे हिंदू भाई बहन मांस खाने को अच्छी बात नहीं समझते, उन्हें ये पाप लगता है। कहीं न कहीं उनकी विचारधारा ये है कि जो मांस खाता है वो परमेश्वर की दृष्टि में अपवित्र या अशुद्ध हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने हमें क्या समझाया, मरकुस 7:15-23 तक, ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समा कर अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं, वे ही उसे अशुद्ध करती है। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती है, मतलब ये सब पाप है। तो इन आयतों से हमें स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर की दृष्टि में पाप क्या है। साथ में हमें ये भी पता चलता है कि मांस खाना पाप नहीं है बाइबल के आधार पर। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि एक अच्छा मसीही वही होता है जो उस मनुष्य के सामने मांस ना खाए जिसे मांस खाना बुरा लगता हो, जैसे 1 कुरिन्थियों 8 में पौलुस ने समझाया था। मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप बाइबल की नजर से सच को जानने की कोशिश करें, ना कि अपने भावनाओं के आधार पर। आइए फिर आगे हम देखते हैं कि गुरुजी इस विषय पर और क्या बताते हैं। मांसाहार में क्या सवाल था आपका? नहीं, मतलब मैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, वो ये कहते थे कि ये खाना सही है, खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? किसी की हत्या, उनसे बोलना कि आप एक काम करो, अपना हाथ काट के दे दो टीचर साहब, हम आपका हाथ पका के खाएंगे। वो ये कहते थे जैसे तुम लोग गेहूं वगैरह को तोड़ते हो, तो उसमें भी तो जान होती है। तो उसकी जान जो है वो तो खाने के लिए बना है ना। गेहूं को तो शास्त्रों ने लीगल माना ना, उनसे बोलना कि स्त्रियां तो बहुत हैं, लेकिन हर स्त्री को थोड़ी आप स्पर्श कर सकते हैं। हर स्त्री में एक आपकी पत्नी होती है जिससे आप विवाह करते हैं, तो जिस लड़की से विवाह हो जाता है वो हमारी पत्नी हो जाती है, और उसको स्पर्श कर लेना अपराध नहीं होता, उसका हाथ पकड़ लेना अपराध नहीं होता। पर गली चलते आप किसी महिला का हाथ पकड़ लोगे, अपराध है। स्त्री तो सारी है, लेकिन उसके साथ आपका विवाह हुआ तो आपको लीगल परमिशन मिल गई कि अब आप इसके साथ रह सकते हैं, और स्त्रियों का हाथ नहीं पकड़ सकते। उसी प्रकार
शास्त्रों ने हमें गेहूं चावल दाल खाने की परमिशन दे दी कि ये उचित है, ये खा सकते हैं, मांस खाने की इजाज़त नहीं दी, वो अनलीगल है मांस खाना। और गेहूं तड़पता नहीं है मछली की तरह, मुर्गी की तरह, गेहूं में हड्डी नहीं होती, मांस नहीं होता, गेहूं में जो प्राण है वो हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए है, किसी को मारना अपराध है। गेहूं तो ईश्वर ने हमारे लिए बनाई है, जैसे पत्नी अब वो हमारे लिए है, है ना, तो ऐसे दूसरे की स्त्री को देखना, पकड़ना, स्पर्श करना अपराध है, खुद की पत्नी का स्पर्श करना अपराध नहीं है, उसी प्रकार मांस खाना अपराध है पर गेहूं खाना अपराध नहीं है, चावल दाल खाना अपराध नहीं है। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर गुरु जी ने स्त्रियों का उदाहरण देते हुए ये बताया कि हम सिर्फ उस स्त्री को स्पर्श कर सकते हैं जिससे हमारी शादी होती है, लेकिन अगर हम राह चलते किसी भी महिला की हाथ पकड़ते हैं तो ये अपराध है क्योंकि उन पर हमारा अधिकार नहीं है। उसी प्रकार शास्त्रों ने मनुष्य को केवल दाल चावल खाने की इजाजत दी है, मांस नहीं, इसलिए अगर कोई मांस खाता है तो वो अपराध है। लेकिन दोस्तों, अगर हम उनकी कुछ शास्त्रों की ओर देखें तो वहाँ पर मांस खाने को गलत नहीं कहा गया है, जैसे कि मनुस्मृति अध्याय 5 उसके श्लोक 30 से 41 तक, यहाँ पर मांस खाने के विषय में कुछ यूँ लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्लोक 30 में, खाने योग्य जानवरों को यहाँ तक कि प्रतिदिन खाने से खाने वाले को कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि खाने वाले और खाए गए जानवरों को स्वयं निर्माता ने बनाया है। और 32 नंबर श्लोक में ऐसा लिखा है, यदि कोई इसे खरीद कर या स्वयं प्राप्त करके या दूसरों द्वारा दान करके प्राप्त करके देवताओं और पितरों की पूजा करके मांस खाता है तो उसे पाप नहीं लगता है। आगे की कुछ श्लोकों में इस विषय पर और भी बातें बताई हुई है, आप चाहे तो जाकर पढ़ सकते हैं। तो इन आयतों से हमें पता चलता है कि हिंदू शास्त्र भी ये कहता है कि अगर कुछ नियमों का पालन करके मांस खाया जाए तो ये पाप नहीं है। अब फिर भी वे अगर अपनी भावनाओं को शास्त्रों से ऊपर रख कर मांस खाने को सही नहीं समझते तो ये उनकी अपनी अपनी विचारधारा है। यहाँ पर हमारा उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन वहीं जब हम बाइबल की बात करें तो इस जगत के आरंभ से, यानी परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना करी तब उसने मनुष्य यानी आदम और हवा के लिए भोजन का पूरा इंतजाम किया था, जैसे कि उत्पत्ति 1:29 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। मतलब ये है कि आरंभ में परमेश्वर ने मनुष्य के लिए केवल शाकाहारी भोजन ही रखा था, सारे जानवर शाकाहारी थे, कोई भी मांस नहीं खाता था, यहाँ तक कि शेर भी नहीं, जैसा उत्पत्ति 1:30 में लिखा है, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन के प्राण हैं उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं और वैसा ही हो गया। तो इसका मतलब कोई भी मांस नहीं खाता था, तब आदम ने कोई पाप नहीं किया था, इसलिए जगत में कोई मृत्यु भी नहीं थी। लेकिन जब आदम ने पहला पाप किया तब संसार में मृत्यु प्रवेश कर गई और सब कुछ बदल गया। परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाल दिया और कहा कि अब तुम्हें अपने माथे का पसीना बहाकर रोटी खानी पड़ेगी। आगे जाकर संसार में पाप बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने सारे संसार को जल प्रलय से नष्ट कर दिया, केवल नूह और उसके परिवार को छोड़कर, क्योंकि नूह एक धर्मी था, वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था और इन्हीं के वंशजों द्वारा पीढ़ियां आगे बढ़ी। तो जब जल प्रलय आया तब पूरे विश्व में पानी भर गया था, इससे संसार के हर एक छोटे बड़े पेड़ पौधे सब नष्ट हो गए थे। परमेश्वर को ये मालूम था कि नूह और उसके आगे की पीढ़ियों को भोजन की समस्या होगी, इसलिए परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति 9:3-4 में, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ, परंतु मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम खाना। परमेश्वर ने यही एक शर्त रखी थी कि तुम मांस को लहू समेत नहीं खाना। तो यहाँ पर हमने देखा कि जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया उसी ने ही इस बात की अनुमति दी कि अब से तुम्हारा भोजन मांस भी होगा। दोस्तों, आप सोचें, परमेश्वर अगर मांस को मनुष्य के लिए अनुचित ठहराया होता तो फिर उसने हमारे शरीर को इस प्रकार से क्यों बनाया कि हम साग सब्जी के साथ साथ मांस को भी हजम कर सकें? आप सब जानते हैं कि शाकाहारी जीव जंतु केवल घास फूस को ही हजम कर सकते हैं और मांसाहारी जीव जंतु केवल मांस को ही हजम कर सकते हैं, लेकिन इंसान मांस और साग सब्जी दोनों को ही डाइजेस्ट कर सकता है, हजम कर सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपने भविष्य ज्ञान के द्वारा ये पहले से मालूम था कि आगे चलकर मनुष्य को जीवन जीने के लिए मांस को भी अपना भोजन के रूप में ग्रहण करने की जरूरत पड़ेगी। अब फिर भी अगर कोई हमारे अविश्वासी भाई बहन ये कहे कि नहीं, मैं किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा और ना ही मांस खाऊंगा, तो ठीक है, वो अपने विश्वास में अटल रहकर ही जीवन बिता सकता है। लेकिन हम आपसे ये अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई यीशु मसीह का संदेश लेकर आता है तो कृपया आप उसे ये न कहे कि क्रिश्चियंस तो मांस खाते हैं। निश्चय बाइबल में ये कहा गया है कि तुम किसी की हत्या न करना, परंतु वो हत्या मनुष्य से संबंधित है, किसी जानवर से नहीं।
पहले कुरिन्थियों के 10:31 में लिखा है, सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आमीन।